आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। इनका छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहकर प्रदेश के विद्यार्थी परिषद के संगठन में काम शुरू किया, बाद में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और आज एक उनका दायित्व लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वो अपना दायित्व निभा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने उन्हें एक नई टीम बनाने के एक युवा को अवसर दिया है और हमारी सबकी शुभकामनाएं। सर, संगठन में कुछ अहम बदलाव है क्या? अब इस तो विशेषाधिकार रहता है कि आज तो अभी अध्यक्ष पद में हैं, आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो सकता है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके आगे की रणनीति। चुनौती है आने वाले समय में चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता के साथ काम करें, इस दृष्टि से उनको मुझे लगता है ये दायित्व दिया है। नेता प्रतिपक्ष और जो अध्यक्ष बनाए गए जाते हैं तो क्या नेता प्रतिपक्ष को भी बदला जा सकता है कुछ इस तरीके? नहीं देखिए, ये बदलाव की बात तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से लेकर होता है। आगे क्या बदलाव होगा इसको कहना अभी संभव नहीं है, मगर एक अच्छे व्यक्ति को एक अवसर मिला है, उनको बधाई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कम से कम आप लोगों की आदिवासी मंसा विरोधी जो वो है वो जाहिर हो गई है। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस देश के सर्वोच्च पद में एक ऐसी हमारी बहन को चयनित किया गया द्रौपदी मुर्मू जो अनुसूचित जनजाति की है, इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं मिला, वो काम किया केंद्र में, केंद्र सरकार में यदि नेतृत्व मिला है, मंत्रिमंडल में काम मिला है, तो रेणुका सिंह आज केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समाज का प्रतिनिधि कर रही है, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि कर रही है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो सम्मान देती है। नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ा है, नीतीश जी की आदत है बहुत दिन एक जगह नहीं रह सकते और वो बहुत दिन हो गया था, शायद उनको लगता था कि कोई नए सिरे से राजनीति शुरू किया जाए, तो आज वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधन योजना का तारीफ किया है, इसकी किस तरह देखते हैं आप? गोधन योजना ठीक है, मगर क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी पूरी तरीके से। इस योजना को, योजना का उद्देश्य और क्रियान्वयन की बात नहीं हो रहा है, मगर जिस प्रकार क्रियान्वयन हो रहा है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।